सुपर फ्रीज वीडियो प्रेजेंटेशन। आज हम आपको 38 SLC लिक्विड लेवल कंट्रोलर के बारे में कुछ बातें बताएंगे। इसमें मुख्यतः तीन पार्ट है, पैनल, फ्लोट असेंबली और सॉलिनॉइड वाल्व। फ्लोट असेंबली पैनल को लेवल का इंडिकेशन भेजता है, जो आपको यहाँ लाइट ऊपर नीचे होने पर दिखाई देता है। इसको 6 पेचों से इसका कवर बंद है। इसको हमेशा बंद रखना चाहिए, जिससे इसमें धूल मिट्टी या पानी ना जाए, जो कि इसको नुकसान पहुंचा सकते हैं। मैं इसको कनेक्शन के बारे में बताऊंगा। 1 और 2 पावर के लिए है, 3 अर्थ के लिए है, 4 और 5 फ्लोट असेंबली की कॉइल के लिए। ये फ्लोट असेंबली की कॉइल है और इसके 2 वायर 4 और 5 में लगाए जाते हैं। 6 और 7 सॉलिनॉइड के लिए और X है कांटे का निशान, वो हाई लेवल के लिए इस्तेमाल होता है। इसमें 2 नॉब है, ये नॉब लेवल के लिए और ये डिफरेंशियल के लिए। ये फ्यूज़ है, अगर ये रेड लाइट जलती है इसका मतलब फ्यूज़ ब्लो है, तो आप ये प्लग खोल के ये फ्यूज़ बदल सकते हैं और ये पावर ऑफ करके ही ये कार्य करना चाहिए। अब मैं इसके पावर को कनेक्ट करता हूँ। पावर कनेक्ट होने पर कोई लाइट नहीं जलेगी और साइड की ग्रीन लाइट जलेगी। ये ग्रीन लाइट स्विच ऑन करने पर ये सारी लाइटें जल जाती है, क्योंकि अभी हमने फ्लोट असेंबली के कॉइल को कनेक्ट नहीं करा है। ये फ्लोट कॉइल और ये फ्लोट बॉल है, फ्लोट बॉल की रोड जब ऊपर जाती है या नीचे आती है तो वो पैनल को सिग्नल भेजता है और वो आपको LED के माध्यम से दिखाई देता है। जब हम फ्लोट कॉइल की तारे 4 और 5 में कनेक्ट करते हैं तो सिर्फ 2 लाइटें जलती है। अगर 4 और 5 कनेक्ट करने के बावजूद भी सारी लाइट जले, इसका मतलब कहीं कोई वायर में ब्रेकेज है या कॉइल हमारी डैमेज है। कॉइल का वोल्टेज 20 वोल्ट होता है। जब फ्लोट बॉल की रॉड ऊपर जाती है तो लेवल ज़्यादा और नीचे आने पे सॉलिनॉइड ऑन हो जाता है। ये लेवल मैंने कम करा, अब फ्लोट बॉल जब ऊपर गई तो 5 लाइट आने पर सॉलिनॉइड ऑफ हो गया और 3 आने पर दोबारा ऑन हो गया। अब मैं लेवल बढ़ा देता हूँ। अब देखिए, अब ये 6 लाइट पे जाके सॉलिनॉइड ऑफ हो गया और 4 पे ऑन हो गया, इसका मतलब लेवल राइज हो गया। अब मैं आपको बताऊंगा लेवल और डिफरेंशियल के बारे में। ये लाइटें लेवल दिखाती है, ये 2 नॉब है, ये लेवल का नॉब है और ये डिफरेंशियल का नॉब है। लेवल के नॉब से हम लेवल को ऊपर या नीचे करते हैं। अगर हमें कम रखना है
तो लेवल को नीचे करने के लिए नॉब को ऊपर की तरफ घुमाते हैं, और अगर बढ़ाना है तो नॉब को नीचे की तरफ घुमाएंगे तो लेवल राइज हो जाएगा। दोनों में डिफरेंशियल एक ही है। अब डिफरेंशियल को वेरी करने के लिए, डिफरेंशियल क्या है, सोलेनोइड ऑन और ऑफ के बीच का जो गैप होता है, लेवल का डिफरेंस होता है, उसे हम डिफरेंशियल कहते हैं। अगर ये गैप कम है तो कम डिफरेंशियल है, ज़्यादा है तो ज़्यादा डिफरेंशियल। इसमें देखिए ये लेवल है, ये कम लेवल पे ऑन हुआ, कम लेवल पे ऑफ हो गया, और लेवल बढ़ाने पे वो लेवल ऊपर चला गया। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।